गुड आफ्टर ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। एम आई ऑडिबल? गुड आफ्टरनून साक्षी, गुड आफ्टरनून प्रज्ञा, गुड आफ्टरनून स्वयं, अनुष्का, अनुज, गुड आफ्टरनून नंदिनी, गुड आफ्टरनून मंजरी, गुड आफ्टरनून आदित्य। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। असाइनमेंट सबमिट हो गया बेटा सभी का? ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो लोग असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं? बॉडी फ्लूड सर्कुलेशन अभी भी बेटा 32 स्टूडेंट है जिनका सबमिशन नहीं हुआ है। नंदनी आज सबमिट करोगे? सबमिट आफ्टर द क्लास। ओके अनुज, ओके आपके सबमिशन के बाद ही मैं आप लोगों को आगे का असाइनमेंट दूंगा। आपके सबमिशन के बाद ही मैं आप लोगों को क्या चीज आंसर सॉल्यूशन जो पीडीएफ है वो शेयर करूंगा। अच्छा कल नेटवर्क प्रॉब्लम था। ओके चलो तो एक काम करते हैं, कल बहुत से लोगों का नेटवर्क प्रॉब्लम आया था इसलिए मैं आपको आज चांस दे रहा हूं। आज रात के 12 बजे तक के का टाइम है आपके पास, आप लोग सबमिट कर दोगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट असाइनमेंट मैं आपको आज नहीं कल दूंगा, फिर एक दिन का गैप रखते हैं हम लोग क्योंकि बहुत से लोगों का सबमिट नहीं हुआ है। ठीक है बेटा, और कई स्टूडेंट अभी भी ज्वाइन नहीं किए, एनरोल नहीं हुए हैं। आई डोंट नो क्या रीजन है। ठीक, अर्थवॉर्म देख रहे थे हम लोग, आगे हम कंटिन्यू करेंगे अर्थवॉर्म को। ठीक है, अर्थवॉर्म में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मॉर्फोलॉजी जो है वो स्टडी कर लिए हैं, एनाटॉमी हम लोग देख रहे थे। ये अर्थवॉर्म का बेटा मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। तो अर्थवॉर्म के डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको यहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहले ये फर्स्ट सेगमेंट हमारा जो होता है, टोटल कितने सेगमेंट होते हैं अर्थवॉर्म में? 100 से लेके 120 सेगमेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है माउथ, माउथ के बाद फेरिंग्स आता है। नंबर बताते जाएंगे बेटा, फेरिंग्स कितने सेगमेंट में प्रेजेंट होता है? फेरिंग्स का नंबर बताएंगे, ओनली 4 है या और कुछ है? यार जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करूंगे तो मजा आएगा। ये सब कल पढ़ाया था आपको, पढ़ के आने के लिए कहा था, पढ़ के आए हो या नहीं आए हो? माउथ फर्स्ट सेगमेंट पे था, फेरिंक्स जो था कहाँ प्रेजेंट होता है? फोर्थ। वेरी गुड। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है? एसोफेगस। तो एसोफेगस जो है मींस फेरिंक्स, एक नैरो और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो निकल रहा है फिफ्थ सेगमेंट से, और कहाँ तक के जा रहा है? सेवन्थ सेगमेंट तक। तो ये जो फेरिंक्स आपको जो दिखाई दे रहा है ये फोर्थ पे है, एसोफेगस जो आपको दिखाई दे रहा है फिफ्थ से लेकर के सेवन्थ सेगमेंट जो होता है वहां पर एसोफेगस होता है। एसोफेगस के बाद आता है गिजार्ड। गिजार्ड में हमने क्या देखे थे? 8 सेगमेंट,
फिर एट्थ के बाद नाइन्थ सेगमेंट जो होता है ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बेटा ये वाला, तो ये एट्थ और जो नाइन्थ सेगमेंट है वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, गिजार्ड प्रेजेंट होता है, याद आ रहा है कल पढ़े थे हमने। स्टमक जो होता है नाइन्थ से लेकर के 14 तक के रहेगा, ओके। गिजार्ड के बाद जिसे हम क्या कहेंगे गट, गट में फॉर गट, मिड गट और हिंड गट आती है, और ये कंप्लीट पोर्शन जो हो गया हमारा किसका हो गया, एलिमेंट्री कैनाल का हो गया, दिखाई दे रहा है। गट जिसको हम स्टमक भी कहेंगे, और उसके बाद आएगा इंटेस्टाइन। तो यहां पे जो स्टमक की हम बात करें तो स्टमक जो प्रेजेंट होता है 9th to 14th सेगमेंट तक के, और उसके बाद आता है इंटेस्टाइन, ओके। उसके बाद क्या आएगा इंटेस्टाइन, एक्चुअली इंटेस्टाइन मीन्स गट होगा बेटा, स्टमक मीन्स गट नहीं होगा। फिर इंटेस्टाइन में हम लोगों ने लास्ट टाइम इसके मेन कीवर्ड्स जो है टर्म्स वो समझे थे, ओके। जिसमें हम लोगों ने क्या देखे थे उसके टाइप्स। तो अभी आज हम लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम में जो अर्थवॉर्म है उसका हम लोगों को इंटेस्टाइन वाला पार्ट जो है ये हम लोगों को स्टडी करना है। अब इंटेस्टाइन की यदि हम बात करें तो इंटेस्टाइन में सबसे पहले फर्स्टली हम लोग क्या चीज, प्री टैफ्लो सोलर रीजन को स्टडी करेंगे। कौन सा, प्री टैफ्लो सोलर रीजन। आपको याद होगा कल मैंने आप लोगों को इसके थ्री रीजन जो है एक्सप्लेन किया था, तो आज हम लोग प्री टैफ्लो सोलर रीजन जो है ये हम देखेंगे, जो कि एक्सटेंड होता है 15 सेगमेंट से और कहां तक के जाता है 26 सेगमेंट तक के। तो यहां पे क्या हो गया, इट एक्सटेंड फ्रॉम कितने से एक्सटेंड हो रहा है, ये 15th सेगमेंट, और 15 से ये कंटिन्यू होते हुए कहां तक के रहेगा बेटा, प्री टैप्लो सोलर रीजन ये रहता है 26 सेगमेंट तक के। इतना जो पोर्शन होता है ये वाला ये कहलाता है कौन सा, इंटेस्टाइन का टैफ्लो सोलर रीजन, कौन सा, प्री टैफ्लो सोलर, ओके। समझने के लिए एनसीईआरटी का एक हम लोग डायग्राम रिफर करेंगे यहां पर, ओके, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल जो है वो हम लोगों को रिप्रेजेंट की है ये वाला पिक्चर। तो इस पिक्चर में जब हम जाएंगे तो हम लोगों को देखो माउथ फैरिंग्स एसोफेगस, माउथ फैरिंग एसोफेगस के बाद फिर हम आते हैं कहां पर, गिजार्ड पे। गिजार्ड के बाद आता है स्टमक, और उसके बाद ये आपको जो दिखाई दे रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, प्री टैफ्लो सोलर ये वाला पार्ट, ये नैरो ट्यूब हो गई। इसके बाद यहां से जो जा रहा है ये वाला पोर्शन प्री टैफ्लो सोलर होता है, और फिर ये वाला जो पार्ट है ठीक है इतना पोर्शन, इसको हम टैफ्लो सोलर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन कहेंगे, ओके। तो प्री टैफ्लो सोलर पार्ट जो है ये हमने देखे, फिर प्री टैफ्लो सोलर जो पार्ट है वहां पे 26 सेगमेंट जो होता है वहां से एक पेयर में छोटी सी आउटग्रोथ यहां पे निकली हुई है। ये देखो ये ऐसा आया, अब सपोज ये 26 सेगमेंट था तो 26 सेगमेंट में ऐसा इधर साइड से भी और इधर साइड से भी ऐसे एक पेयर में एक आउटग्रोथ जो एक दो तीन सेगमेंट तक के ऊपर वापस जा रही है,
ठीक है, तो इतना ये जो आउटग्रोथ जो निकला हुआ है इसे कहते हैं इंटेस्टाइनल सिकी। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा इंटेस्टाइनल सिकी। ओके, कहाँ दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है बेटा, इंटेस्टाइनल सिकम यहां पे लिखा हुआ है, CAECUM। क्या है ये कहां से, ये क्वेश्चन आता है कहां से निकला बेटा, 26 सेगमेंट गिव्स ऑफ क्या कहेंगे, पेयर ऑफ शॉर्ट आउटग्रोथ। इंटेस्टाइनल सिकी का यदि डिफाइन आपको पूछे तो गिव्स ऑफ पेयर ऑफ शॉर्ट आउटग्रोथ जो क्या कहलाएगा, इंटेस्टाइनल सिकी कहलाएगा। फिर इसके बाद सेकंड रीजन आता है जिसे हम टाइफलो सोलर पार्ट कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का। सेकंड जो रहेगा वो रहेगा टाइफलो सोलर रीजन, किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। कौन सा वाला पार्ट बेटा, टाइफलोसोल, ये पोर्शन दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, ये क्या हो गया, ये हो गया टाइफलोसोल पार्ट। तो ये जो टाइफलोसोल पोर्शन जो आप देख रहे हो स्पेशली, ये मिडल रीजन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। यहां पे क्या हो गया बेटा, इट इज मिडल रीजन ऑफ स्मॉल, नहीं कहेंगे इंटेस्टाइन, यहां पे स्मॉल लार्ज जैसा कुछ नहीं होता। ओके, इंटेस्टाइन का ये जो हो गया ये क्या रहेगा, मिडल रीजन। कहां से आएगा बताओ, कितने नंबर रहेंगे, ये 27 सेगमेंट से लास्ट 25 सेगमेंट तक के रहता है। ये टाइफलोसोलर रीजन जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, तो ये जो है ये रन हो रहा है, और ये रन होता है फ्रॉम वो ऊपर वाला 26 तक के था ना, तो ये कहां से, 27 सेगमेंट से रन होगा, और 27 सेगमेंट के बाद फिर हम आगे यदि जाते हैं तो ये रन होते होते अप टू अबाउट, अप टू अबाउट 23 से लेके 25 के आसपास, जो लास्ट के 25 को छोड़ दो ठीक है, सेगमेंट इन फ्रंट ऑफ एनस, सेगमेंट इन फ्रंट ऑफ एनस। ओके, जैसे कि सपोज ये हमारा शुरुआत का 1 से लेके 26 तक के हो गया, ये वाला 27 है, यहां तक के जितना भी होगा मे बी ये मान के चलो 90 हो गया, तो यहां तक के का जो रहेगा वो टाइफलोसोलर रीजन रहेगा, और इधर के लास्ट के जो 25 है ये पोस्ट टाइफलोसोलर रहेगा। तो ऐसे यहां पर ये क्या है, ये टाइप्स आएंगे। तो प्री हो गया टाइफलोसोलर, ये एंटेरियल पोर्शन पे प्रेजेंट होगा। फिर ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, मिडल वाला पार्ट, और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, पोस्ट वाला पार्ट। तो इस तरह से यहां पे टाइफलोसोलर रीजन हो गया। टाइफलोसोलर रीजन के बाद फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा, पोस्ट टाइफलोसोलर रीजन। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। पोस्ट, ये थर्ड वाला पार्ट देख रहे हैं हम लोग, पोस्ट टाइफलोसोलर
सोलर रीजन। अब ये पोस्ट डायप्लोसोलर रीजन जो है ये होता है पोस्टेरियल रीजन ऑफ इंटेस्टाइन। क्या हो गया? इट इज पोस्टेरियर रीजन ऑफ इंटेस्टाइन। पहली चीज कहां पे लोकेटेड होता है? ये लास्ट के 23 से 25 सेगमेंट जो होते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। तो यहां पर इट इज लाइज लास्ट 23 टू 25th सेगमेंट, इतना जो होता है ये वाला रीजन, ये कहलाता है पोस्ट डायप्लोसोलर रीजन। अब मेनली इसका काम क्या है मालूम है? ये फिकल मैटर को स्टोर करके रखता है। तो यहां पे इट्स मेनली स्टोर फिकल मैटर, जैसे हमारा रेक्टम होता है ना, याद है रेक्टम? साउंड लो आ रहा है क्या बेटा? ऐसा मैसेज आया है नीनत का। माइक चेक, माइक चेक। नहीं बेटा मेरे पास तो सही आ रहा है। क्लियर है बेटा? ओके, यहां पे माइक टेस्टिंग जो है उसका ऑप्शन है मेरे पास। हाँ ओके, तो ये हो गया। क्या हो गया? ये हो गया पोस्ट टाइफ्लोसोलर रीजन। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट पोर्शन क्या होगा? एनस। इंटेस्टाइन के बाद एनस रहेगा ना लास्ट पोर्शन, जहां से फीकल मैटर जो निकलेगा। तो ये लास्ट इधर साइड का जो पार्ट है, जैसे ये डायग्राम देखो, तो इस डायग्राम में आपको यहां पर एनस दिखाई दे रहा है, दिख रहा है बेटा? तो इस तरह से इंटेस्टाइन हमने देखे, एनस जो है बेटा लास्ट सेगमेंट पे लोकेटेड होता है और ओपन होता है आउटसाइड, जिससे फीकल मैटर को क्या करेगा? एडजस्ट करेगा एज इट इज सिमिलर हमारे समान। फिर इसके बाद आपको याद होगा हम लोग यहाँ पर जो स्टडी कर रहे थे पहले, जिसमें हम लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल का स्टडी करना था, और नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे देखना था डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है, इसमें आपको एग्जाम में बहुत डेप्थ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में बहुत कुछ नहीं दिया है यहाँ पर। सिर्फ आप यहाँ पर एक ही चीज याद रखो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड के टर्म में फेरेंजियल ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होती है। कौन सा ग्लैंड? फेरेंजियल ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, फेरेंजियल। ये जो ग्लैंड है फेरेंजियल ग्लैंड, मींस एक मास जो होता है, मास हम कह सकते हैं, जो जनरली रूफ ऑफ द फेरिंग्स जो होता है ना वहां पर प्रेजेंट होती है, कि स्पेशल टाइप के ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसे क्रोमोफिल सेल्स कहते हैं। ठीक है, यदि हम लोग रूफ ऑफ फेरिंग्स, बट एनसीईआरटी में इतना नहीं दिया, इसलिए आप लोग बहुत डेप्थ तो नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है रूफ ऑफ फेरिंग्स, वहां पर क्या कह सकते हैं हम लोग, देखने को मिलता है ग्लैंडुलर सेल्स। ये जो ग्लैंडुलर सेल्स यहां पर प्रेजेंट होती है, इस ग्लैंडुलर सेल्स को हम क्रोमोफिल सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? क्रोमोफिल सेल्स। तो ये जो क्रोमोफिल सेल्स जो होती है, ये क्या करता है बेटा? ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है। मींस यहां से सिक्रेट होता है क्या चीज? यहां से सिक्रेट होगा सलाइवा, और सलाइवा में कंटेन होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम।
यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम रहते हैं, नॉट ओनली प्रोटियोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। और आप जानते हो अर्थवर्म का जो फूड है वो डिकेइंग मैटर, लीफ, झाड़ पत्ती, ये सारी चीजें खाएगा ना, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत स्पेशल जरूरत नहीं है। एक फेरेंजियल ग्लैंड हो गया, एक होता है गैस्ट्रिक इपिथेलियम, वहां पर भी ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होती है, जैसे हम स्टमक कहते हैं, जैसे वहां पर भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होगा। इंटेस्टाइनल इपिथेलियम जो इंटेस्टाइन में होता है, वहां पर भी इंटेस्टाइनल फ्लूड सिक्रेट होगा। इंटेस्टाइनल सीकी होता है, वहां पर जो आउटग्रोथ निकले हुआ है, थोड़ी देर पहले समझाया था, वो भी एक डाइजेस्टिव फ्लूड सिक्रेट करता है जो फूड को डाइजेस्ट करेगा। तो स्पेशली जो इंटेस्टाइन से जो सिक्रेशन होता है, वो प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड को, सभी को डाइजेस्ट करता है। जैसे हमारे इसमें होता है, वैसे ही अर्थवर्म में भी होता है बेटा, समझे? तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे पढ़ने वाली, इतनी ही है। फिर उसके बाद देखो, डाइजेशन हुआ, ठीक है, फेरिंग्स का सिक्रेशन हुआ, कुछ एंजाइम्स थे जो प्रोटीन को स्प्लिट किया, साथ ही साथ ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट की तरह काम किया, ठीक है। फाइनली अल्टीमेटली जब फूड डाइजेस्ट हुआ तो उसका एब्जॉर्प्शन होगा टैप्लोसोलर रीजन से, ठीक है। कौन सा? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मिडल वाला पार्ट होता है ना, उसे हम कहते हैं टैप्लोसोलर रीजन। तो ये वाला पार्ट आप याद रखोगे कि जो एब्जॉर्प्शन जो होता है फूड का, वो कहां पर होता है? टैप्लोसोलर रीजन पर, ठीक है। यहां पर नोट कर दे रहा हूं, एब्जॉर्प्शन जो होता है फूड का वो इसी रीजन पे होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद इजेशन जो होता है, तो इजेशन जो होता है अनडाइजेस्टेड फूड मैटर जो कहां पर स्टोर्ड है बेटा, वो पोस्ट टैप्लोसोलर रीजन पे स्टोर्ड है। तो अनडाइजेस्टेड फूड जो है ये स्टोर किया, देन फाइनली यहां से जो फूड रहेगा वो क्या होगा? इजेस्ट हो जाएगा। इजेशन जब होता है फूड का, तो अनडाइजेस्टेड फूड जब इजेस्ट होता है, तो यहाँ पे इसके जो पैलेट्स एनस से जो बाहर निकलेगा पैलेट्स, उसे हम वॉर्म कास्टिंग कहते हैं, वॉर्म कास्टिंग, ठीक है, जो हमारे लिए फर्टिलाइजर की तरह भी काम करता है। तो ये याद रखोगे, ठीक है, इतना पार्ट समझ में आ गया। हेलो, क्लास में है ना बेटा सभी लोग? यहां तक क्लियर है? देखो हम बहुत इजी है, हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी से जैसा टफ नहीं है। और वैसे भी देखो जो फिजियोलॉजी रहती है ना, बहुत इजी रहती है, अच्छे से समझ में आ जाए तो। हाँ, ये एनालिट्स में आता है, ओके। अब इतना अच्छा हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, क्योंकि आप यदि एनसीईआरटी पढ़ोगे तो माइंड तो ऐसे हैंग हो जाएगा, समझते ही नहीं है। आपने पढ़े होंगे तो, लेकिन अब आप पढ़ोगे मेरे पढ़ाने के बाद, अब आप कुछ भी पढ़ सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। देखो, अब स्लाइड मैंने बनाया नहीं हूं, लेकिन मेरे पास एनसीईआरटी है तो यहां से समझा देता हूँ कि एलिमेंट्री कैनाल एक स्ट्रेट ट्यूब होती है, पढ़े हम लोगों ने, ठीक है। टर्मिनल माउथ जो ओपन होता है, बकल कैविटी, फिर आगे मस्कुलर फेरिंग्स होता है, फिर नैरो ट्यूब को एसोफेगस कहते हैं, जो फिफ्थ टू सेवन सेगमेंट पे रहेगा। वन से थ्री सेगमेंट पे बकल कैविटी होता है, फोर सेगमेंट पे फेरिंग्स होता है, फिर एट टू नाइन सेगमेंट पे मस्कुलर गिजार्ड यहां पर प्रेजेंट होगा। फिर यहां पे हम जाते हैं तो इसके बाद ये ग्राइंडिंग जो होता है पार्टिकल्स, क्योंकि इसका फूड जो होता है डिकिंग लीफ होता है, उसको ग्राइंड करेगा। फिर स्टमक जो आता है 9 से 14 सेगमेंट तक के रहता है। उसके बाद फिर क्या आता है? इंटेस्टाइन आता है। तो अर्थवर्म जो है डिकिंग लीफ ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी के साथ मिक्स करके उसको लेता है। यहाँ पे कैल्सिफेरस ग्लैंड होती है जो स्टमक में प्रेजेंट होती है, जो न्यूट्रलाइज करता है ह्यूमिक एसिड को। क्योंकि देखो ये अर्थवर्म जो है, आपको याद होगा हमने ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे? इकोलॉजी में। तो वहां पे मैंने आपको समझाया था कि जो एनेलिड्स होता है, स्पेशली अर्थवर्म ह्यूमिफिकेशन करता है। ह्यूमिफिकेशन मतलब जो ह्यूमस है उसको ह्यूमिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। इसने जब उसको एब्जॉर्ब किया तो जो ह्यूमिक एसिड है एसिडिक नेचर का होता है ना, तो उसको न्यूट्रलाइज करना है। तो न्यूट्रलाइज कैसे होगा? तो यहाँ पे कैल्सिफेरस ग्लैंड जो स्टमक में प्रेजेंट होती है वो ह्यूमिक एसिड को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। फिर इंटेस्टाइन 15th सेगमेंट से स्टार्ट हो रही है एंड कंटिन्यू लास्ट सेगमेंट तक के रहती है।
जिसमें पेयर ऑफ सॉर्ट कॉनिकल इंटेस्टाइनल सिकी, ये वाला पार्ट, ठीक है। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है इंटेस्टाइन का, 26 सेगमेंट को छोड़ के लास्ट 23 से 25 सेगमेंट जो होता है, ठीक है, वहां पे मीडियन फोल्ड एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे कहते हैं टाइफ्लोसोल। टाइफ्लोसोल मतलब कौन सा, जहां पे एब्जॉर्प्शन होगा, मीडियन पार्ट, ये वाला पार्ट, टाइफ्लोसोलर पार्ट। मतलब ये फर्स्ट 26 तो ये है, 27 से लेके आखिरी के 25 को छोड़ दो, इसके बीच का जो पार्ट होता है वो टाइफ्लोसोलर पार्ट होता है, ओके, जो एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होगा। फिर एलिमेंट्री कैनाल ओपन होगा, एक स्मॉल राउंडेड अपर्चर्स, ये वाला जो पार्ट है। डाइजेस्टिव ट्रैक जहां पे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एब्जॉर्प्शन यूनिट प्रेजेंट होती है और स्मॉल मॉलिक्यूल इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। पेरिटीमा, फिर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। यहां तक के समझ में आ गया होगा आपको। इसके डी सेक्शंस का वीडियो जो है नंदिनी जो है डिमांड कर रही है, देखना चाह रही है, ओके दिखा दो, ओके दिखा देता हूं बेटा, जस्ट वेट, डी सेक्शनिंग का वीडियो जो है शेयर करता हूं मैं आपको, एनिमेशन है मेरे पास। देखो एक एक पोर्शन पे जाएंगे और एक सैंपल कॉपी जो है मिला है मुझे, यहां से हम लोग देख सकते हैं। तो देखो पहली चीज तो अर्थवॉर्म का आप लेयर देख रहे हैं, टू मसल लेयर हमने देखे थे, एक सर्कुलर रहती है और एक लॉन्गिट्यूडिनल रहती है, ओके, क्या चीज, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल। इपिडर्मिस हमने देखे थे, कॉलमनर एपिथेलियम होती है जहां पर सिक्रेटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ओके। फिर सिक्रेटरी ग्लैंड के बाद फिर हम एनाटॉमी पे जब आते हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रेट ट्यूब, अभी थोड़ी देर पहले समझाया मैंने, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जो माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, एसोफेगस, क्रॉप गिजार्ड, इस तरह से, तो ये सेगमेंट वाइज अरेंज होता है, तो कौन से नंबर के सेगमेंट में क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखे, फेरिंग्स, एसोफेगस, गिजार्ड, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ओके। वन बाय वन हम देखेंगे, फर्स्ट से लेके थर्ड सेगमेंट माउथ एंड बकल कैविटी, जो माउथ ओपन हो रहा है, फिर फोर्थ सेगमेंट आता है फेरिंग्स, सिक्स सेवन पे आएगा क्या चीज, एसोफेगस, फिर नाइन से फोर्टीन पे क्या आएगा, हेलो नेक्स्ट पार्ट जिसे हमने क्या कहे थे, क्रॉप था या गिजार्ड था, गिजार्ड, फिर नेक्स्ट उसके बाद लास्ट में इंटेस्टाइन आएगा, फिर इंटेस्टाइन में भी हमने थ्री रीजन देखे, ओके, स्टमक नाइन से फोर्टीन तक के है, फिर आता है इंटेस्टाइन, ठीक है। स्टमक में थोड़ी देर पहले समझाया, कैल्सिफेरस ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है, मींस यहां पे क्या होता है, एक्सेस कैल्शियम जो है वो एक कार्बोनेट के फॉर्म में उसको कैल्सिफाइड करके पीएच जो है उसको मेंटेन करता है। देन फाइनली उसके बाद इसका फूड क्या होता है, डिकेइंग मैटर होता है जो मिट्टी के साथ मिक्स होके ये एब्जॉर्ब मतलब खा लेता है। फिर आता है हमारा 15 से लेके लास्ट सेगमेंट तक के, वो होता है इंटेस्टाइन। फिर 27 सेगमेंट जो होता है वहां पे प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइनल सिकी, ठीक है, ये वाला पार्ट। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं तो ये एक आउटग्रोथ होता है। फिर 26 से 35 सेगमेंट जो होता है, ठीक है, 35 नहीं, वैसे हम क्या कहेंगे, लास्ट के लास्ट 25 जो होते पोस्ट वाला रीजन होता है, ठीक है, ये बीच वाला पार्ट टाइफ्लोसोलर रीजन। इंटेस्टाइन के सेक्शन को हम कट करके देख रहे हैं, मिडल पार्ट जो होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ग्लैंड होती है जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तो इतना पोर्शन जो है अर्थवॉर्म का एनाटॉमी में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम देखे, और एनस जो है वहां से फूड जो है वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। कुछ एंजाइम्स यहाँ पे सीक्रेट होते हैं, एंजाइम्स का रोल क्या है, फूड को डाइजेस्ट करना है, जैसे हमारे बॉडी में फूड का डाइजेशन होता है, ओके। देन फाइनली जो मेम्ब्रेन होती है डाइजेस्टिव फूड उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब वो करके फिर फाइनली नेक्स्ट सिस्टम आता है जिसे हम कहते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, यदि हम डायरेक्टली देखें तो वो ऐसे समझता नहीं है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे वेल डेवलप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इस सेक्शन को हम कट करके यहाँ पे इतना पार्ट देख रहे थे, वो कितना कुछ यहाँ पे अलग अलग टाइप के ब्लड वेसल्स आपको दिखाई दे रही है,
तो ये जितने भी ब्लड वेसल्स है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके नेम्स, इसके लेबलिंग्स, ये सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं, तब आपको एनिमेशन में सारा कुछ समझ में आएगा। ऐसे डायरेक्टली आप देखोगे तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे अभी, अर्थवर्म में, अर्थवर्म का नेक्स्ट पार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, यदि हम देखें तो क्या कहेंगे उसको, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। पहली चीज तो ये होता है क्लोज टाइप का। नए स्लाइड से स्टार्ट कर दे फिर। अभी हम लोग देख रहे हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या, हेलो क्या हुआ, अर्थवॉर्म आज पता नहीं बार बार स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कह रहा हूं मैं। अब देखो अर्थवॉर्म में हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की हम बात करें तो ऑब्वियसली ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कह रहे हैं, और सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमंस में हम लोगों ने जब स्टडी किए थे तो वहां पे हम लोगों ने क्या देखे थे, सर्कुलेटरी सिस्टम जो कंसिस्ट होता है जिसमें एक तो ब्लड होता है, पर ब्लड को पंप करने के लिए क्या चाहिए, हार्ट चाहिए। बट हार्ट पंप करेगा तो किसकी हेल्प से जाएगा, तो ये क्लोज वेस्कुलर सिस्टम होता है जिसमें क्या आती है, ब्लड वेसल्स आती है। एनसीईआरटी में इसे इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया है बेटा, लेकिन एनसीईआरटी में पिक्चर्स जो दी है उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, और कई बच्चों को ये वाला पार्ट समझता नहीं है, और एग्जाम में बेटा यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, कहां से, एनसीईआरटी का एक पिक्चर मैं आपको शेयर कर रहा हूं। ठीक है, एनसीईआरटी ने थ्री में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है, बट आप देखो ये वाला जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात कही है, तो इसमें देखो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। एक तो आपको यहां पर दिख रहा है डॉर्सल वेसल्स, एक दिख रहा है वेंट्रल वेसल्स। तो ये डॉर्सल वेंट्रल वेसल्स क्या होती है ये हमें पढ़ना है। उसके बाद लेटरल एसोफेगल वेसल्स आपको दिखाई दे रही है, सब न्यूरल वेसल्स दिख रही है, एक कमिस्यूरल वेसल्स दिखाई दे रही है, इसी के साथ साथ एक लेटरल हार्ट दिखाई दे रहा है और एक लेटरल एसोफेगल हार्ट दिख रहा है। ये जो है ये हार्ट है, ये हार्ट है, ये हार्ट है। अंदर साइड ये जो कनेक्शन आपको दिख रहा है, ये इस तरह से जो घूम के आ रहा है, ये जो कनेक्शन जो दिख रहा है ये है ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके एनसीईआरटी में क्या है, सिर्फ लेबलिंग में दिया हुआ है, बट इसका किसी भी टाइप से इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है। बट एग्जाम में इस बार अर्थवॉर्म आ गया तो लेवल धीरे धीरे टफ होगा। अब टफ होगा तो देखो, अभी इस बार फर्स्ट टाइम अर्थवॉर्म दिया तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा, बट नेक्स्ट टाइम जब अर्थवॉर्म आएगा तो आपको ये जो यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर के पास क्वेश्चन बचे ही नहीं है देने के लिए, और आप जानते हो कि क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होते, तो क्वेश्चंस पूछेगा तो कहां से। तो ये डायग्राम बेटा आगे आने वाले टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो 2022 में पूछेगा, और 2022 में नहीं पूछा तो 2023 में पूछेगा, क्योंकि कई लोग हो सकता है आप में से, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन कई लोग अभी जो सबमिट नहीं कर रहे हैं वो रिपीटर में जाएंगे। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई है, बट मैं आपको यहाँ पे गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप फिर से रिपीट करेंगे जो लोग अभी भी सीरियस नहीं हुए हैं। ठीक है, कई लोगों ने इस मोमेंट पे आके अपने आप में गिव अप कर लिए, उनको ये लग रहा है कि नहीं एक बार हम पढ़ लेते फिर से अगर रिपीट करेंगे फिर देंगे। ठीक है, बट जो बच्चा शुरुआत से अभी तक के करते आया है, रियल में उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है,
तो आप बेटा ये वाला जो लेवल है इसको कंप्लीट कीजिए। और मैं आपको पहले ही कह रहा हूं कि यदि आपका एनालिसिस करके एनसीईआरटी पढ़ के सारा कुछ अच्छे से हो गया, मैं पास्ट ईयर के क्वेश्चन आफ्टर 2016 से जो दे रहा हूँ ये भी यदि हो गया, आपका एमटीजी पढ़ के हो गया, एनसीईआरटी पेज नंबर के साथ याद हो गई है, तो फिर आप मुझसे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस और डिटेल चाहते हो यदि 2000 के बाद के सॉल्व करना है आपको तो वो भी ले सकते हो, 2000 से लेके 2015 तक के, यदि आपका ये परफेक्ट है तो। इसके लिए आप मुझे टेक्स्ट करो, टेक्स्ट करोगे तो मैं आपको पर्सनल शेयर करूंगा ये वाला डेटा, बट ये उसी को शेयर करूंगा जिसका ये सारा कुछ ओके है। बट उसके लिए देखो, ओके के लिए भी मैं आपके कुछ टेस्ट लूंगा, टेस्ट में यदि आप खरे उतरते हो तो ही मैं आपको ये सारी चीजें दूंगा, ओरल क्वेश्चन पूछूंगा, कुछ छोटी सी काउंसलिंग होंगी, कुछ रिपोर्ट में चेक करूंगा आपकी अभी तक क्या आपने क्या क्या किए कैसे किए, उसके बाद मैं आपको ये वाली एक्टिविटी जो है ये प्रोवाइड करूंगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर आप मुझे प्रोवाइड करो, तो आप मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो, फिर मैं आपके लिए एक पर्सनल काउंसलिंग शेड्यूल करूंगा। हो सकता है कि हम डायरेक्टली मिल सकते हैं या फिर ऑनलाइन पे भी मिल सकते हैं, समझे। और मैं ये चाह रहा हूं कि सभी लोग इस एक्टिविटी का फायदा उठाए। चलो तो सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करते फिर अभी हम लोग। और सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें सबसे पहले तो देखो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हम जो देख रहे हैं, थोड़ा सा पेन हैंग हो रहा है, अर्थवर्म की यदि हम बात करें तो अर्थवॉर्म जो है इसमें इसका ब्लड, बेटा एक मिनट ये हैंग हो रहा है, ठीक है मेरा डिजिटल पेन चेक करने दो क्या प्रॉब्लम आया। अर्थवॉर्म का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ये होता है क्लोज टाइप का, इनवर्टिब्रेट्स में यही एक है फाइलम जिसमें क्लोज टाइप, हम लोगों ने ऑर्थोपोडा कॉकरोच पढ़े हैं उसमें ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हुआ। अब क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यदि हम देखें तो क्लोज टाइप हम किसे कहते हैं, क्लोज टाइप किसे कहेंगे, क्लोज टाइप मींस जिसमें क्लोज वेसल्स का नेटवर्क प्रेजेंट होगा। ओके, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें एक क्लोज वेसल्स का नेटवर्क प्रेजेंट होता है कुछ इस तरह से, दिखाई दे रहा बेटा। देखो यहाँ क्लोज टाइप का वेस्कुलर सिस्टम एक हार्ट है, ब्लड जो पंप हो रहा है यहां से एक क्लोज वेसल्स है और उसी तरह से यहाँ पे ऑर्गन उस तरह से कांटेक्ट में, तो इस तरह से ये क्लोज टाइप का सिस्टम जो है इसमें अर्थवॉर्म में देखने को मिलेगा। अब क्लोज टाइप का जो सिस्टम अर्थवॉर्म में आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या कह सकते हैं हम लोग, पहली चीज तो ब्लड और ब्लड का जो फ्लो हो रहा है, ठीक है एक मिनट कॉल आ रहा था, चलो ठीक जस्ट वेट, ओके बाद में बात करते हैं। तो क्लोज टाइप ब्लड फ्लो जो रहेगा एक क्लोज वेसल्स के थ्रू होगा, ठीक है यहाँ पे नोट कर देता हूं मैं,
ब्लड का जो फ्लो जो हो रहा है, एक क्लोज वेसल्स के थ्रू हो रहा है। सेकंड, ये तो हो गया क्लोज टाइप। तो इसमें हम लोगों को क्या देखना है बेटा, ब्लड। सबसे पहले हम लोग यहां पर ब्लड का स्टडी करते हैं। तो ब्लड जो होता है, पहली चीज तो कलर्ड होगा। कलर क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंट होता है इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट। बताइए कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होगा? अर्थवर्म के ब्लड में कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है? जो हमारे इसमें होता है, हमारे इसमें क्या होता है? वेरी गुड, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से इसमें भी कलर रहेगा। साथ ही साथ जो ब्लड होता है, इस ब्लड में कंटेन होगा कंपोजिशन। हम देख रहे हैं बेटा, जो एक फैगोसाइटिक सेल्स होती है जो हमारे जर्म्स को किल करता है, उसे क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट जो है, ये क्या करेगा? किल करेगा जर्म्स को। ओके, इसके बाद ये हो गया बेटा ब्लड। सेकेंड टर्म हम लोग यहां पर समझेंगे ब्लड वेसल्स। सेकेंड हम लोग यहां पर जो देखेंगे उसे कहते हैं ब्लड वेसल्स। ओके, ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स में बहुत सारे हम लोगों को यहाँ पे लेबलिंग्स, उसके नेम्स, ये सारी चीजें देखना है। तो ब्लड वेसल्स में क्या क्या आएगा? ब्लड वेसल्स में क्या क्या आएगा बताइए? एक ल्यूम्ब्रिक सिस्टम है आपको, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका एक पिक्चर शेयर कर रहा हूं। ओके, यहां पर आप देख सकते हो ये वाला। क्या क्या दिख रहा है इसमें आपको? डॉर्सल वेसल्स दिख रही है, ठीक है। कौन सा साइड में? ये यहां पर। इधर साइड आपको वेंट्रल वेसल्स दिखाई दे रही है, दिख रहा बेटा? डॉर्सल और वेंट्रल वेसल्स, ये हो गया। उसके बाद पीछे साइड में आप और आते हो तो वहां पे सब न्यूरल वेसल्स भी दिखाई दे रही है आपको। दिख रहा है क्या? तो इसमें एक तो पॉइंट नोट कर लेते हैं, पहले हम लोगों को क्या क्या देखना है। सबसे पहले आती है, क्या कहेंगे हम लोग, डॉर्सल ब्लड वेसल्स। डॉर्सल ब्लड वेसल्स के बाद सेकेंड हम लोग देखेंगे जिसमें आता है वेंट्रल ब्लड वेसल्स। वेंट्रल ब्लड वेसल्स के बाद हम आगे देखेंगे तो लास्ट में होता है सब न्यूरल ब्लड वेसल्स। ये नाम याद कर लेना बेटा, इनका सभी का एक्सप्लेनेशन भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं आज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक होता है लेटरल, लेटरल भी दिखाया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको, लेटरल एसोफेगल ब्लड वेसल्स आता है। और एक और रहता है बट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट सुप्रा एसोफेगल, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ओके, बट आप लोग याद रखो सुप्रा एसोफेगल ब्लड वेसल्स। इतनी ब्लड वेसल्स, इतने सारे टाइप की ब्लड वेसल्स अर्थवॉर्म में देखने को मिलेगी। तो अब इसमें वन बाय वन हम सारी चीजों को समझेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डॉर्सल ब्लड वेसल्स, सबसे पहले बेटा थ्योरी हम पढ़ लेते हैं। थ्योरी आपका हो गया तो सारी चीजें आपकी आसान हो जाएगी। डॉर्सल ब्लड
वेसल्स। तो डॉर्सल ब्लड वेसल्स जो है ये कहां पे प्रेजेंट होता है, नाम से समझ में आ रहा है, डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड कौन सा होगा, जिधर मिड डॉर्सल लाइन लाइन प्रेजेंट होती है, ऐसी लाइन देखने को मिलती है, और वेंट्रल जिधर जेनिटल पोर होते हैं। तो डॉर्सल साइड में भी ब्लड वेसल चाहिए, वेंट्रल साइड में भी ब्लड वेसल चाहिए। तो डॉर्सल ब्लड वेसल्स ऐसा ब्लड वेसल जो कहां प्रेजेंट होता है, डॉर्सल साइड में, और ये भी ठीक है, ये जो एक्सटेंड होता है, ये जो एक्सटेंड होता है एक वन एंड से लेकर के जो अनदर एंड है, एक साइड से लेकर के दूसरे साइड तक के प्रेजेंट होता है। और जनरली जो डॉर्सल ब्लड वेसल्स होती है इसमें प्रेजेंट होता है वॉल्व। और वॉल्व का रोल क्या होता है, हम लोगों ने पढ़े थे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व, सेमिलुनर वॉल्व। क्या करती है बेटा, वो प्रिवेंट करती है बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को। तो एज इट इज यहां पर भी रहेगा, क्या करेगा ये प्रिवेंट करेगा क्या चीज, बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। ये सब एग्जाम में पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में ऐसा मेंशन नहीं किया है, एनसीईआरटी में सिर्फ डायग्राम जो है दिया है, और उस डायग्राम में डॉर्सल ब्लड वेसल ऐसा लेवलिंग की हुई है, बट उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मालूम होना चाहिए, इसलिए हम लोग ये सारी चीजें देख रहे हैं। फर्स्ट हो गया क्या चीज, डॉर्सल ब्लड वेसल्स। सेकेंड जो आएगा वो क्या कहलाएगा, वेंट्रल ब्लड वेसल्स। अब वेंट्रल ब्लड वेसल्स की यदि हम बात करें तो नाम से समझ में आता है कहां प्रेजेंट होंगी, ये वेंट्रल साइड में। अब बेटा कॉलेज वाले प्रैक्टिकल कराएंगे तो हो सकता है, कोचिंग क्लास में नहीं होता है सब। तो ये भी बेटा एक साइड से दूसरे साइड तक के एक्सटेंड होंगी, एक्सटेंड फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। और इसकी एक खासियत है बेटा, इसमें किसी भी टाइप की वॉल्व नहीं होती, डू नॉट हैव एनी वॉल्व, क्योंकि इसको बैकवर्ड फ्लो ब्लड की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि यहां से जो ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आएगा। तो जो फ्लो ब्लड जो होता है एंटेरियल से पोस्टेरियल एंड ऑफ द बॉडी वेंट्रल ब्लड वेसल्स की हेल्प से होगा। ओके, क्या चीज, यहां पे फ्लो ऑफ ब्लड जो होता है वो एंटेरियर एंड टू पोस्टेरियल एंड ऑफ बॉडी ऐसे होता है बेटा। ओके, थोड़ी देर पहले एक पिक्चर्स मैंने आपके साथ शेयर किया था, कौन सा वाला, एनसीईआरटी वाला, याद है। नहीं बेटा वो भी ऑक्सीजनेटेड ही ब्लड है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। ये देखो हार्ट तो यहीं पे प्रेजेंट है ना, यहीं से तो पंप हो रहा है वैसे। ओके, तो एंटेरियल टू पोस्टेरियल, और एक तरफ जाएगा पोस्टेरियल टू एंटेरियल। थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा वाला पार्ट, वेट करो। थर्ड आता है जिसे हम कहते हैं सब न्यूरल, ये वाला
सब न्यूरल। अब ये सब न्यूरल इधर से ब्लड को इधर भेजेगा, किसके थ्रू? कमिस्यूरल वेसल्स के थ्रू, डायरेक्ट नहीं जाता बेटा ब्लड इधर का उधर जो जा रहा, तो ये बीच में देखो ये ऐसे जोड़ने वाली जो वेसल्स दिख रही है, ऐसी दिख रही है, उसे कमिस्यूरल वेसल्स कहते हैं। तो पहले थर्ड वाली वेसल्स देख लेते हैं हम लोग, थर्ड और फोर्थ दोनों भी आ जाएंगी बेटा इसमें। तो यहां पे क्या होता है, रन फ्रॉम पोस्टियल एंड ऑफ बॉडी, ये जो 14 सेगमेंट जो है वहां से रहता है, कौन सा? सब न्यूरल वेसल्स। तो क्या हो जाएगा ये, इट इज रन फ्रॉम पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी, शुरुआत से नहीं रहती बेटा, ये बॉडी का पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो भी कहां से, 14 सेगमेंट जो होता है वहां से, तो अप टू 14th सेगमेंट जो रहेगा यहां से आएगा, क्या कहलाएगा ये, सब न्यूरल वेसल्स कहलाएगा। ये ब्लड को कलेक्ट करता है एक तो हमारे बॉडी वॉल से और नर्व कॉर्ड से, ठीक है। काम क्या है, काम ये है कि ये ब्लड को कलेक्ट करेगा, कहां से कलेक्ट कर रहा है ये, फ्रॉम एक तो बॉडी वॉल और दूसरा नर्व कॉर्ड। अभी नर्वस सिस्टम हमने नहीं पढ़े, आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा, ओके। अब ब्लड को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद ब्लड को क्या करेगा, सेंड कर देगा। तो इसने कलेक्ट जो किया बॉडी वॉल और नर्व कॉर्ड से, ब्लड को कलेक्ट तो किया, बट ये यहां से डायरेक्टली जो डॉर्सल ब्लड वेसल्स जो होता है, डॉर्सल ब्लड वेसल्स, उसे क्या किया इसने, ब्लड सेंड कर दिया, वो भी कैसे, थ्रू कमिस्यूरल ब्लड वेसल्स, थोड़ी देर पहले समझाया था। कमिस्यूरल ब्लड वेसल्स की हेल्प से ब्लड क्या किया इसने, पास कर दिया, कमिस्यूरल, स्पेलिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या, डबल एस आएगा, ठीक है, एक एस नहीं लगाया मैंने, कमिस्यूरल ब्लड वेसल्स जो है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते, तो देखो टाइटल लोगों ने जो टर्म्स देखे, अरे यार बीच का गैप आ गया यहां पर, वो तो बोलो इतने जल्दी मेरे स्लाइड कैसे फेल हो गई, मुझे ऐसा लग रहा था। अब उस उतने मैटर को उठा के इधर भेजना पड़ेगा हमारे को, बाद में दिक्कत होगी ना, इसलिए अभी हम उसको सेट कर लेते हैं, ओके। अभी बहुत कुछ बाकी है अभी पढ़ना और टाइम भी है हमारे पास। तो क्या क्या देख लिया बेटा हम लोगों ने, सब न्यूरल वेसल्स, ये इधर साइड हम लोग देख रहे थे कुछ टाइप्स, अर्थवर्म में हम लोगों को जो स्टडी करना था। तो ब्लड वेसल्स हम देखे थे, डॉर्सल हमने पढ़ लिए, वेंट्रल हमने पढ़ लिए, सब न्यूरल हमने पढ़ लिए, इसी के साथ एक कौन सा, कमिस्यूरल ब्लड वेसल्स हमने देखे। अब आता है लेटरल इसोफेगल ब्लड वेसल्स और सुप्रा इसोफेगल। सुप्रा वाला बेटा नीचे होता है और साइड में जो होता है उसे हम लेटरल कहते हैं, ओके।
डायग्राम में आप देख लो, पिक्चर्स में आप देख लो, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए हम क्या पढ़ रहे हैं। तो जितना एनसीईआरटी में जो लेबलिंग किया है बेटा वही पढ़ा रहा हूं मैं। तो लेटरल इसोफेगल वेसल्स आपको यहाँ पे एक दिखाई दे रही है, ये वाली, ये हम देखेंगे। सुप्रा इसोफेगल हम नहीं देख रहे बेटा, ये लेटरल इसोफेगल हार्ट है और ये लेटरल हार्ट ओके। ये एंटेरियर लूप होता है बेटा, ये यहाँ पर जहां पर हार्ट जो है लोकेटेड होता है, ये इस तरह से सामने साइड प्रेजेंट है ना, इसलिए इसको एंटेरियर कह रहे हैं। लूप है जिसने होल्ड करके रखा हुआ है। तो अभी यहां पे नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा हमारा वो क्या आएगा, लेटरल एसोफेगल ब्लड वेसल्स। और ये बेटा पेयर में होती है ये ब्लड वेसल्स, ये वेंट्रोलेटरल साइड जो होती है एलिमेंट्री कैनाल के, एलिमेंट्री कैनाल के साइड साइड, जैसे बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीचों बीच में प्रेजेंट होंगी, उससे हम लेटरल एसोफेगल ब्लड वेसल्स कहते हैं। कौन सा नंबर है ये, 1 2 3 4 नंबर है ना, क्या कहेंगे इसे, लेटरल एसोफेगल ब्लड वेसल्स। ओके, तो लेटरल एसोफेगल ब्लड वेसल्स जो हम यहां पर देख रहे हैं, पहली चीज तो क्या चीज, ये प्रेजेंट होती है पेयर में, फाउंड होता है ये कैसे, पेयर में। पहली चीज तो लोकेटेड यदि हम देखें तो इसका लोकेशन जो है लोकेटेड, ऐसे लिखेंगे ना, हाँ, तो लोकेशन जो रहेगा इसका वेंट्रल साइड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, वेंट्रल नहीं कहेंगे, वेंट्रो लेटरल साइड, वेंट्रल और साइड में, तो वेंट्रो लेटरल साइड ऑफ एलिमेंटरी कैनाल। इसको और स्पेसिफाई करें हम तो क्या कह सकते हैं, ये प्रेजेंट होता है बिटवीन बॉडी वॉल और दूसरा एलिमेंटरी कैनाल, दोनों के बीचों बीच में प्रेजेंट होता है ये। और जनरली ये कभी भी देखना फर्स्ट जो 14 सेगमेंट होता है उसमें ही होता है, क्योंकि इसके पहले हमने क्या देखे थे, 14th के बाद हमने देखे कौन सा वाला, ये वाला सब न्यूरल अप टू 14। अप टू 14 मतलब क्या होता है, 14th से उसके बाद या उसके पहले, हेलो, मेरा आवाज आ रहा है ना सभी लोगों को, क्लास में है सभी लोग, क्या रिस्पॉन्स नहीं कर रहे आप लोग जल्दी जल्दी। लगता क्वेश्चन नहीं समझा आप लोगों को, अब कुछ लोग क्लियर लिख के भेज रहे हैं, मैंने क्वेश्चन पूछा और आप क्लियर ऐसा लिख के भेज रहे हैं, क्या समझूं मैं अभी, कहां प्रेजेंट होती है, फर्स्ट 14 सेगमेंट में लोकेटेड जो होता है ये, फर्स्ट 14th सेगमेंट में ये प्रेजेंट होता है। तो जो वेंट्रल साइड है, जो लेटरल साइड है, जो लास्ट साइड है, ऐसा करके हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी की है, ब्लड का पंपिंग हो रहा है कैसे हो रहा है ये सारी चीजें। अगेन एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या देखे हमने, ब्लड हमने देखे, ब्लड वेसल्स देखे, ब्लड वेसल्स के हमने टाइप्स देखे। ब्लड वेसल्स के टाइप में हमने डॉर्सल ब्लड वेसल जो डॉर्सल साइड में होता है और वेंट्रल ब्लड वेसल जो वेंट्रल साइड होता है, दोनों एक साइड से दूसरे साइड तक के रहता है, डॉर्सल में वॉल्व होता है, वेंट्रल में वॉल्व नहीं होता। वेंट्रल वाला एंटेरियल से पोस्टेरियल मतलब सामने साइड से पीछे साइड क्या करेगा, ब्लड का फ्लो करेगा। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट इस पे आए, नेक्स्ट वाला पार्ट हमने यहाँ पे स्टडी किए, नेक्स्ट में हमने क्या देखे,
न्यूरल, सब न्यूरल ब्लड वेसल्स जो हमारा पोस्टेरियल पार्ट पर ही देखने को मिलेगा, जो ब्लड को बॉडी वॉल और नर्व कॉर्ड से कनेक्ट करता है, ठीक है, और कमिश्नर ब्लड वेसल से डॉर्सल साइड में भेज देता है। लेटरल वाला जो होता है बेटा, वेंट्रोलेटरल साइड एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में साइड में प्रेजेंट होता है। डायग्राम आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा बेटा। अब ये डायग्राम में आपको देखो, ये इधर साइड जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये साइड में बेटा कैसे साइड में होगा, इमेजिन करो कि ये आपका ऐसा एलिमेंट्री, ये बॉडी वॉल है और बीच में एलिमेंट्री कैनाल है, तो ऊपर और नीचे तो एक ब्लड वेसल्स हो गई, बट इधर साइड में आपको जो दिखाई देंगी वो वाला कौन सा होगा, कौन सा वाला, अभी जो हमने पढ़े वेंट्रोलेटरल साइड वाला पार्ट, जिसे हम लेटरल एसोफेगल ब्लड वेसल्स कहते हैं, समझे। तो ये है सर्कुलेटरी सिस्टम जो अभी हम लोग यहां पर देख रहे हैं, ठीक है बेटा। अब फाइनली पहुंचेंगे हम लोग कहां पे, हार्ट पे। इतना पार्ट समझ में आ गया है सभी लोगों को, क्लियर हो गया एक एक पार्ट, किसी को कुछ पूछना है इसमें। अब अर्थवर्म में हार्ट प्रेजेंट होता है और एंटेरियर लूप प्रेजेंट होती है, तो फोर्थ फोर पेयर में ट्यूबुलर हार्ट जनरली प्रेजेंट होता है, जिसमें वॉल्व भी प्रेजेंट होती है। दो एंटेरियर हार्ट प्रेजेंट होंगे जिसको लेटरल हार्ट कहते हैं, जो सेवंथ और नाइन्थ सेगमेंट पे होता है, और दो डॉर्सल हार्ट प्रेजेंट होता है, थोड़ा पीछे रहता है, जो 12 से 13 सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है, जिसे लेटरल एसोफेगल हार्ट कहते हैं। साथ ही साथ टू पेयर ऑफ लूप लाइक वेसल्स प्रेजेंट होती है, जिसे एंटेरियर लूप कहते हैं, जो 10th और 11th सेगमेंट पे प्रेजेंट होती है, और इसमें भी किसी भी टाइप की वॉल्व नहीं होता, ये डायरेक्टली ब्लड जो होता है लेटरल एसोफेगल वेसल्स से सुप्रा एसोफेगल वेसल्स के पास पास करता है। सुप्रा एसोफेगल वेसल्स आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो डायरेक्टली अभी हम लोग यहां पर क्या देखेंगे, हार्ट का स्टडी करेंगे। क्या देखेंगे बेटा अभी हम डायरेक्टली यहां पर, डायरेक्ट अभी हम यहां पर हार्ट देखेंगे। तो हार्ट में क्या होता है, फोर पेयर ट्यूबुलर हार्ट प्रेजेंट, पॉइंट वाइज देखते बेटा। पॉइंट नंबर वन, क्या फोर पेयर में ट्यूबुलर हार्ट जो है प्रेजेंट होता है। सेकेंड पॉइंट, एंटेरियल टू पेयर हार्ट, या फिर टू पेयर हार्ट एंटेरियल में प्रेजेंट होगा, ऐसा भी हम कह सकते हैं। एंटेरियल टू पेयर हार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, लेटरल हार्ट कहते हैं। ये कहलाएगा लेटरल हार्ट, ओके। अब लेटरल हार्ट जो होता है जनरली ये कहां पर प्रेजेंट होता है, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। तो लेटरल हार्ट जो है सेवंथ एंड नाइन्थ सेगमेंट जो होता है, तो सेवंथ और नाइन्थ सेगमेंट जो होता है यहां पर लेटरल हार्ट प्रेजेंट होता है, याद रखोगे। काम क्या है, ये ब्लड बेटा रिसीव करता है डॉर्सल ब्लड वेसल से, ब्लड कन्वे करता है वेंट्रल ब्लड वेसल्स पे, एक में फिर से वो दिखा रहा हूं। लेटरल हार्ट जो डॉर्सल से वेंट्रल साइड में ब्लड को पंप करेगा, दिख रहा है आपको, ये लेटरल हार्ट दिखाई दे रहा है, ये वेंट्रल है, ये डॉर्सल है, तो डॉर्सल से इसने ब्लड लिया,
ओके, रिसीव किया डॉर्सल ब्लड वेसल से और कन्वे किया कहां पर? वेंट्रल ब्लड वेसल्स पे। लेटरल हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके, क्या कर रहा है ये? दे रिसीव, क्या रिसीव कर रहा है? ब्लड। कहां से रिसीव कर रहा है? दे रिसीव ब्लड फ्रॉम, ऊपर वाला क्या है? वेंट्रल ब्लड वेसल्स। हेलो, वेंट्रल होता है क्या? डॉर्सल होता है, डॉर्सल होता है ऊपर वाला, तो ये डॉर्सल ब्लड वेसल से, डॉर्सल ब्लड वेसल से ब्लड को रिसीव किया एंड इसने क्या किया? कन्वे किया। कन्वे किया कहां पे? ब्लड कहां कन्वे किया? वेंट्रल ब्लड वेसल्स। याद रहेगा बेटा, ये है लेटरल हार्ट, ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है बट लेबलिंग में दिया है, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया इसका। अब आप सोचो आपके एनसीईआरटी में हार्ट को लेके, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को लेके कितना सा दिया है, बट उतने से को मुझे समझाने में कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि बेटा मैं कंटेंट के साथ कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करता, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं आपको जितनी जरूरत है, जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है? इसलिए मैंने इसके पहले आपको अर्थवर्म पढ़ाया ही नहीं था, क्योंकि अर्थवर्म आता ही नहीं है, और पढ़ा रहा हूं मैं तो अच्छे से पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं कि टाइम पास करवा रहा हूं, समझ गए? पहले मैं अर्थवर्म पढ़ाता था, पहले मतलब 4-5 साल पहले, बट आते ही नहीं एग्जाम में तो उसको छोड़ दिया, और एनटीए ने डायरेक्ट कहा था अर्थवर्म सिलेबस में नहीं है, बट इस बार दे दिया तो फिर हम फिर से वापस आ गए। चलो तो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। तो ये लेटरल हार्ट तो हो गया, कौन सा हार्ट बचा अभी? अब बचा लेटरल इसोफेगल हार्ट और एंटेरियल लूप। एक एक पार्ट मैंने देखो लेबलिंग का कवर करा दिया, ऐसा कोई पार्ट है जो लेबलिंग में दिया नहीं हुआ? ये दो चीज बची है, ये अभी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया अर्थवॉर्म का, इतना कुछ है सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब जितना आपसे डाइजेस्ट होता है रखो, नहीं होता है तो लेबलिंग भर याद रखो, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी ने नहीं दिया तो मे बी इस बार आपको एक्सप्लेनेशन ना पूछे, बट बेटा ये डायग्राम को समझने के लिए एटलीस्ट एक बार आपको ये वाला पढ़ना पड़ेगा जो मैंने आपको पढ़ा दिया। आगे से यदि आप इस पोर्शन को नहीं भी पढ़ोगे लेकिन लेबलिंग भी याद रखोगे तो आपको मालूम रहेगा उसके मीनिंग्स क्या है, कहां पे क्या चीज है, कहां से क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आप लोगों को मालूम रहेगी, ठीक है बेटा? तो आगे देखें लेटरल इसोफेगल हार्ट क्या होता है, क्या होता है और क्या करता है। इस तरह से आज हम लोग सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, शायद कुछ हुआ एक्स्ट्रा तो देखते हैं, नहीं तो सर्कुलेटरी सिस्टम तक के हमारा अच्छे से होगा, क्योंकि जल्दी नहीं करना हम लोगों को, एक एक इंफॉर्मेशन अच्छे से मालूम होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है लेटरल इसोफेगल हार्ट। लेटरल एसोफेगल हार्ट, एक काम करते हैं, वहां पे मैंने हेडिंग नहीं दिया था ऐसी, तो हेडिंग भी दे देते हैं। ये पॉइंट थे, इस पॉइंट में फर्स्ट हमने पढ़े लेटरल हार्ट जो एंटेरियल टू पेयर होते हैं, तो अभी जो रहेंगे आगे के दो पेयर वो कैसे रहेंगे? पोस्टेरियल टू पेयर रहेंगे। ओके, तो पोस्टेरियल टू पेयर जो है इसको हम लेटरल एसोफेगल हार्ट कहते हैं, जो प्रेजेंट होता है 12th and 13th सेगमेंट पे, प्रेजेंट होता है 12th
एंड थर्टींथ सेगमेंट पे। इसके पहले जो प्रेजेंट था उसका सेगमेंट नंबर कितना था? हेलो, सेवंथ और नाइन्थ। ये सेगमेंट ही याद करना है आपको। इसका काम क्या है? ये ब्लड कैरी कर रहा है डॉर्सल ब्लड वेसल से और कहां पहुंचा रहा है? वेंट्रल में। पहले वाला क्या कर रहा था? डॉर्सल से वेंट्रल कर रहा था, तो दूसरा वाला भी वही करेगा ना बेटा, और कोई काम ही नहीं है इसका। ये भी ब्लड कैरी करता है डॉर्सल वेसल से और पहुंचाता कहां पर है? वेंट्रल वेसल्स पे। सिंपल है। तो कैरी ब्लड फ्रॉम डॉर्सल ब्लड वेसल्स टू वेंट्रल ब्लड वेसल्स, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये था सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि अभी हम लोगों ने अर्थवर्म में देखे। एनिमेशन से देख ले अब एक बार। ओके, तो यहां तक पहुंच गए थे हम लोग बेटा। इसमें सिर्फ एक चीज है, एंटेरियल लूप, वो पढ़ाना है, बट पहले आप इतना इंफॉर्मेशन देख लो। तो बेटा वेल डेवलप क्लोज टाइप का वैस्कुलर सिस्टम जहां पे ब्लड वेसल्स, कैपिलरी, हार्ट, ये सारी चीजें, इसको यहाँ एक एक पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये वाला डॉर्सल ब्लड वेसल्स है, ये वेंट्रल है, इधर साइड वाला जो रहेगा इसे हम क्या कहेंगे? लेटरल वाला कहेंगे। ये वाला कमिस्यूरल ब्लड वेसल्स कहलाएगा। पीछे साइड में ये वाला जो रहेगा सब न्यूरल ब्लड वेसल्स। टू पेयर हार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है और टू पेयर हार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? बीचों बीच में आपको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन देखते हैं। इतना समझ में आ गया? वीडियो लैग हो ही नहीं रहा है, आपका नेटवर्क स्लो है, मैंने पॉज किया था वहां पर। तो देखो बेटा वन बाय वन एक एक चीज को देख लो। ये गट है, नर्व कॉर्ड है, बॉडी वॉल है, ठीक है। ब्लड ग्लैंड भी यहां पर प्रेजेंट होता है बेटा, फोर्थ और फिफ्थ सेगमेंट और सिक्स सेगमेंट पे, जहां पे ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन जो है ये प्रोड्यूस होता है। आपका एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। ओके, लेटरल हार्ट आपको दिखाई दे रहा है, लेटरल इसोफेगल हार्ट आपको दिखाई दे रहा है। स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो बेटा ये वाले पिक्चर का। लेटरल इसोफेगल वेसल्स दिख रही है, एंटेरियल लूप दिख रही है बेटा आपको, ये वाली दो, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए थे। तो ये सारा इंफॉर्मेशन है जो कि अभी हम लोगों ने यहां पर समझे। ओके, कमिश्यूनर ब्लड वेसल्स, एंटेरियल लूप, एवरीथिंग, हर पार्ट क्लियर है। एंटेरियल लूप रिपीट करना है, नीनत का डिमांड है कि एंटेरियल लूप फिर से रिपीट करो। एंटेरियल लूप का मतलब क्या होता है? तो एंटेरियल लूप मतलब जो टू पेयर ऑफ लूप, मतलब लूप के समान वो एक वेसल्स ही है जो टेंथ और इलेवेंथ सेगमेंट पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। काम करता हूं यहां पे, नोट कर देता हूं उस पॉइंट को। एंटेरियल लूप, एंटेरियल लूप मींस लूप लाइक वेसल्स है वो, लूप लाइक वेसल्स होती है जो कि प्रेजेंट होता है टेंथ एंड इलेवेंथ सेगमेंट पे, टेंथ एंड इलेवेंथ सेगमेंट पे, जो ब्लड कैरी करता है लेटरल इसोफेगल वेसल से सुप्रा इसोफेगल वेसल्स तक के। क्या कर रहा है ये? ब्लड कैरी कर रहा है लेटरल इसोफेगल ब्लड वेसल्स
सुप्रा एसोफेगल ब्लड वेसल्स। अब सुप्रा एसोफेगल कौन सा रहेगा बेटा, जो नीचे वाला रहेगा, ऊपर वाला कौन सा रहेगा? लेटरल कहलाएगा, याद रहेगा। सुप्रा मतलब एक सिंगल ब्लड वेसल्स जो डॉर्सल साइड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है, और बहुत लंबा नहीं रहता बेटा, सिर्फ 9th और 13th सेगमेंट तक के ही रहता है। जो लेटरल एसोफेगल से पेयर ऑफ एंटीरियर लूप की हेल्प से ब्लड को रिसीव करता है, सिर्फ इतना ही रहेगा। तो ये सुप्रा एसोफेगल क्या होता है ये भी समझा दिया मैंने, सुप्रा एसोफेगल ब्लड वेसल्स, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होती है ये? डॉर्सल साइड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल 9th और 13th सेगमेंट, ठीक है। ये जो है ये प्रेजेंट होता है डॉर्सल साइड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, कितना सेगमेंट था? 9th एंड 13th सेगमेंट। तो ये हो गया आपका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। एनसीईआरटी पे आ जाए, एनसीईआरटी समझ लेते हैं अब क्या कह रहा है हमारा एनसीईआरटी। एनिमेशन भी दिखा दिया हूं आपको, देखिए बट एनसीईआरटी पैरेटिमा जिसमें क्लोज वेस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप का होता है, जहां पे ब्लड वेसल्स होती है, कैपिलरी होती है और हार्ट होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से यहाँ पे यदि हम देखें तो ब्लड में एक तो हार्ट और ब्लड वेसल्स ये देखने को मिलेगा, ब्लड का सर्कुलेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, स्मॉल ब्लड वेसल्स गट में भी होता है और नर्व कॉर्ड में भी होता है, और साथ ही साथ बॉडी वॉल में भी देखने को मिलेगा, कनेक्टेड रहेगा ना। ब्लड ग्रेन भी प्रेजेंट होती है जो 4th, 5th और 6th सेगमेंट पे होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये याद रखना है। ब्लड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? 4th, 5th, 6th, जो हीमोग्लोबिन और ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है, जैसे हमारे इसमें रेड बोन मैरो होता है ना, रेड बोन मैरो, ठीक है, जो क्या करता है आरबीसी का प्रोडक्शन करता है, ऐसे इसमें ब्लड ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो ब्लड का सिंथेसिस करेगा। तो ये ब्लड सेल्स को बनाता है और हीमोग्लोबिन को बनाता है, जो प्लाज्मा में क्या होता है डिजोल्व हो जाता है। फिर ब्लड सेल्स जो होती है फैगोसाइटिक नेचर की होती है, क्योंकि इसमें लिम्फोसाइट ल्यूकोसाइट सेल प्रेजेंट होती है। अर्थवॉर्म में ब्रीथिंग सिस्टम जैसे हमारे इसमें होता वैसे अर्थवॉर्म का नहीं होता, तो जो रेस्पिरेशन जो होता है एक स्पेशल टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए अपना बॉडी जो होता है मोस्ट क्यूटिकल लेयर अब ब्लड स्ट्रीम वहीं से ये रेस्पायर करता है। तो ये वाला पार्ट तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, और रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया इसलिए हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम इतना दिया था, और इसके अलावा एक्स्ट्रा डायग्राम्स दिए थे तो वो डायग्राम भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये वाला डायग्राम जिसमें एक एक डायग्राम का मीनिंग्स जो है और कितने सेगमेंट पे क्या प्रेजेंट होते हैं ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद यहां से चालू होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम, ओके, बट इसमें नेफ्रेडिया के टाइप्स को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी आपको एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो हम लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। अब वैसे भी आपका टाइम हो गया है तो ज्यादा एक्स्ट्रा पार्ट जरूरी नहीं है अभी पढ़ाना, बिकॉज बीच में कोई टॉपिक को स्टार्ट करूंगा तो समझ में नहीं आएगा। तो हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम रह गया है, नर्वस सिस्टम रह गया है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम रह गया है। ये होने के बाद फिर यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो होता है कैसे होता है और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट, ये होने के बाद फिर हम फ्रॉग जो है वो स्टार्ट करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, एक एक पार्ट आपके अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे।
ठीक है बेटा, अब किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, और नहीं तो फिर ओके एंड करते हैं फिर आज का क्लास। हेलो, रिस्पॉन्स कर दो बेटा जल्दी से। तो ये पढ़ के आइए अच्छे से, आप लोगों के असाइनमेंट सबमिट नहीं हुए हैं तो असाइनमेंट का सोल्यूशन आपके असाइनमेंट सबमिट होने के बाद दूंगा, और आज आप लोगों को एक गैप दे रहा हूं, और कल मैं आपको दो असाइनमेंट एक साथ दूंगा। दो असाइनमेंट कौन कौन से रहेंगे कल? एक्सक्रीशन और लोकोमोशन दोनों भी, समझे? और वो दोनों को एक ही दिन में सबमिट करना है। बहुत से बच्चे सबमिट नहीं किए बेटा आदित्य, नहीं कल दो दूंगा क्योंकि आज असाइनमेंट सबमिट नहीं हुए सभी के। जो बेटा अच्छे से काम करने वाले बच्चे हैं ना वो कल भी दो कर देंगे, क्योंकि 20-20 क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं है, आसानी से हो जाएगा वो। अब जिसका हो गया उन्हें मैं कैसे दूं? लिंक तो सभी को कॉमन जाती है ना, अब एक एक को मैं पर्सनल फॉरवर्ड करूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। आज के लिए हम लोग देख लेते हैं, एक चांस देते हैं जो बच्चे सॉल्व नहीं किए, नहीं तो आगे से क्या है उनको पनिशमेंट दे देंगे, उनको छोड़ देंगे। नंदिनी, मैंने आपको कुछ पोस्ट करने के लिए कहा था, आपने अभी तक के पोस्ट नहीं किए और रिस्पॉन्स भी नहीं दिए। कहाँ शेयर किया? टेलीग्राम पे मैंने मैसेज किया था आपको। मैसेज सीन हुआ बट पोस्ट नहीं किया, और आपने जो अपने गूगल क्लासरूम पे पोस्ट किए हो या पर्सनल किए, रिप्लाई नहीं दिया आपने मुझे। गूगल क्लासरूम टेलीग्राम पे शेयर कर दो। नहीं, गूगल टेलीग्राम पे ही पोस्ट करो। 2021 के एनालिसिस आपकी ब्लर आई है, मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या पोस्ट किया हो। और बेटा कई बच्चों का जो असाइनमेंट सबमिट हो रहा है वो ब्लर आ रहा है, आप लोग अपना फोटो अच्छे से देख के शेयर करो, फॉर्मेलिटी नहीं करो। तारेश क्लास में हो क्या? आपका भी प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, और मैं एक एक का यहाँ पे ओपन करके दिखाऊंगा ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा आपके ऐसे असाइनमेंट आ रहे हैं। थोड़ा प्रॉपर वे से फोटो लेके भेजा करो, कैमरा हिल जाता है आपका, फोटो लेना भी नहीं आता अभी तक के आप लोगों को। अच्छे से डेटा शेयर करो। बेटा अथर्व, आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा या आपके डिवाइस का प्रॉब्लम होगा, कंप्यूटर से ट्राई करो, आसानी से हो जाएगा। तो फिर मोबाइल से ट्राई करो, नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा बेटा फिर हो। बाकी लोगों के तो हो जाते हैं ना, प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि जब मैं आपको इतने आसानी से पोस्ट कर रहा हूँ तो आपका भी हो जाना चाहिए। अब मैं अपने इसमें डेमो लेके भी देखता हूँ अलग अलग डिवाइस से, हो रहा है या नहीं हो रहा, मेरे पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। मैं तो सिंपल जो नेटवर्क होता ना मोबाइल का, जियो एयरटेल वीआई, उसका यूज करके भी मैं ट्राई करता हूँ तो भी हो जाता है, क्योंकि कई बच्चों के पास, हर किसी के पास वाईफाई नहीं होगा ना, तो मैं उससे भी ट्राई करता हूँ। चलो ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू बेटा आर्यन।